हेलो बिल्कुल माय फ्रेंड्स एंड माय डियर फ्रेंड, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस डिजिटल चैनल। तो आज आपके सामने जो वीडियो है वो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी स्पोकन क्लास की अगली वीडियो है, जो डे नंबर आपका 23 क्लास है। इसके पहले मैं पार्ट ऑफ स्पीच की जितनी भी और चीज़ें हैं, जैसे एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, जेंडर भी उसमें बता चुका हूँ। लेकिन और इसमें मैंने ये वोकैबुलरी का क्लास दिया है, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग दिया है। उन इंपॉर्टेंट मीनिंग को अगर आप याद करते हैं तो इंग्लिश में वही मीनिंग यूज होंगी जो मैंने दिया है। उन दो वीडियो को देख, पिछली वीडियो वो है आपका 23-21 क्लास, वही थी। तो इसके बाद हम 23 क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आप जो आपको वर्ब बताएंगे। वर्ब्स क्या होता है, मतलब वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया। तो वर्ब आखिर आप सुने होंगे कि वर्ब कौन सा, वर्ब मेन वर्ब, कौन सा वर्ब हेल्पिंग वर्ब, तरह तरह के वर्ब आप सुने होंगे। बाकी आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब जो होती हैं वो सारी चीज़ें आपको छोड़ करके मैंने वर्ब को आज डिस्कस करने चल रहा हूँ, सामने आपको बताऊँगा, ठीक है। वर्ब आपका क्या है, तो सबसे पहले वर्ब को ध्यान दीजिए। वर्ब कर्ता द्वारा किया गया कार्य, वो चाहे शारीरिक हो या मानसिक दिमागी। आपको समझिए, एकदम मैं एकदम तरीके से बता रहा हूँ। मतलब आपको इसमें क्या बताना है कि क्रिया जो होती है वो आपका जो कर्ता होता है, जो भी कर्ता हो उसके द्वारा जो चीज़ें की जाए, उसके द्वारा जो कार्य हो रहा है उसी को हम क्रिया बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि रहीम है और रहीम आपका कोई कार्य कर रहा है, जैसे रहीम सो रहा है, तो रहीम क्या है, रहीम सो रहा है। तो जो सो रहा है ना, रहीम के द्वारा कुछ ना कुछ तो हो रहा है, सोना एक क्रिया हो गई। लेकिन अभी बोला जाए कि रहीम लेटा है और लेटने पर भी उसके बॉडी से कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, तो रमेश रहीम के बॉडी से कुछ भी एक्शन नहीं हो, फिर भी सोचिए कि वो अगर लेटा है और एक पैर भी तक नहीं हिला रहा, हाथ भी तक नहीं हिला रहा, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो एक क्रिया वो कर सकता है, क्योंकि वो भी सोच रहा होगा। क्या हो रहा होगा, सोच, क्योंकि सोचना कहाँ से होता है, दिमाग से, दिमाग का मतलब मानसिक से अपने, तो दिमाग से सोचना भी जो होता है ना वो भी एक क्रिया होती है। मतलब दिमाग रूप से, दिमागी रूप से या मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से जो भी एक कर्ता द्वारा, एक मनुष्य द्वारा या कोई भी हो, जो कर्ता द्वारा क्रिया हो, काम हो, वही आपका क्रिया होती है। तो वर्ब्स को आप समझ गए, जैसे सोचना, टहलना, लेटना, सोना, जागना, हंसना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्रिया हैं, ठीक है। अभी मैं बोलूँ, जैसे कोई वाक्य बोल दूँ आपका कि सुरेश सो रहा है, ठीक, तो सुरेश सो रहा है, सुरेश से कुछ कार्य तो हो रहा है ना, क्या हो रहा है, सो रहा है, ये क्रिया हो गई। फिर यहीं पर बोला जाए सुरेश गाता है, अब बताइए सुरेश से क्रिया क्या हो रही है, गाना, मतलब गाता, तो गाता क्या हो गई, क्रिया हो गई। और अभी बोला जाए सुरेश अभी से बोला जाए सुरेश रोता नहीं है, तो बताइए रोता नहीं है, क्योंकि रोना तो उसकी क्रिया होती, अगर नहीं रो रहा है तो क्या बात है, लेकिन अगर नहीं हटा दे तो बोला जाता कि वह रोता है। मतलब रमेश क्या होता है, सुरेश क्या होता है, रोता है, तो रोना भी तो एक क्रिया हो गई, चाहे वो हो या ना हो, लेकिन क्रिया तो काम तो हो रहा है, काम आपका निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों पक्ष में हो जाएगा ना। तो ये क्रियाएं होती हैं जो दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जो कर्ता द्वारा जो कार्य हो वही आपकी क्रिया होती है। इसके टाइप्स को हम देख लेते हैं, जैसे आपका टाइप्स, वर्ब सबसे पहले आपका मेन वर्ब, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, जो कि आपका ये बहुत यूज होगा, ठीक है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। आप बताइए मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो मेन वर्ब उसे कहते हैं जब कोई कर्ता द्वारा जो कार्य हो रहा था, जो कार्य हो रहा था
जिसके सहारे से वही आपका मेन वर्ब था, मतलब जो क्रिया थी वो आपकी मेन क्रिया थी, वही आपकी मुख्य क्रिया थी। मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया, जो अभी आपने देखा कि मेन वर्ब आपका जाना, हंसना, टहलना, देखना, डांस करना मतलब नाचना, कूदना, ये सारी चीज़ें क्या है, मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। सही क्या है, मुख्य क्रिया। जैसे यहाँ पर रोना, हंसना, जाना, पढ़ना, नाचना, भागना, ये जो भी चीज़ें हैं ये आपकी मुख्य क्रिया में आएंगी। ठीक है, मुख्य क्रिया मतलब जो आपका आपका कोई कर्तव्य जो हो रहा है कार्य, वो आपका एक मुख्य वर्ब क्रिया के सहारे से। लेकिन अब क्रिया जो एक क्रिया है, ये क्रिया को बताए आखिर वो किस काल में हो रहा है। क्रिया को अगर बताए कि वो किस काल में, वो जैसे यहाँ पर रो रहा है, अब रो रहा है कब, मतलब रोना शब्द अभी रोता था कि रोता है या रोएगा, ये चीज़ बताए। वो क्रिया जो हो रही, जो काम हो रहा है, वो आखिर वो किस काल में हो रहा है, अभी हो रहा है कि आगे होगा कि हो चुका है, इस चीज़ को बताए तो उसे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, मतलब इसकी सहायता वो करेगा, इसलिए हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। इसमें आपका इज हो सकता है, एम हो सकता है, आर हो सकता है, हैज हो सकता है, हैव हो सकता है, विल हो सकता है, सेल हो सकता है, हैड हो सकता है, और वाज हो सकता है, वर हो सकता है। तमाम ये सारी जो आपकी क्रियाएं हैं ये आपका हेल्पिंग वर्ब हैं। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो कैसे पहचानेंगे, शायद आपको पता चल गया होगा कि इन सभी मुख्य क्रियाओं को बताए कि वो किस काल में घटित हो रही हैं, वो जो सूचित करे शब्द, तो वही क्रिया जो होती है वो आपका हेल्पिंग वर्ब होती है। हिंदी में है, आप समझ सकते हैं, हैं, था, थी, गा, गे, चुका, चुकी, इस तरीके से जो शब्द में यूज हो, तो यही आपकी सहायक क्रिया के रूप में यूज होंगी। तो उस मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया दोनों हो गई हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कस एक चीज़ और कर लेते हैं कि जो मुख्य क्रिया होती है इसके तीन टाइप होते हैं। क्या होते हैं, फर्स्ट मतलब फर्स्ट फॉर्म होता है, और इसका सेकंड फॉर्म होता है, और इसका थर्ड फॉर्म होता है। तीन फॉर्म होता है। जैसे इसका आपका होता है गो, तो इसका गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन। तो इसकी जो आपकी तीनों अवस्थाएं होती हैं, मुख्य क्रिया की तीन अवस्थाएं होती हैं। बाकी आपको ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, उसके साथ साथ आईएनजी फॉर्म होता है जिसको जीरन फॉर्म बोलते हैं, और एक फॉर्म आपका और होता है। तो आपको कुल मिलाकर के चार फॉर्म होता है, लेकिन तीन फॉर्म को आपको यूज करना है। फर्स्ट फॉर्म वही जो होता है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपको आयात करना पड़ता है, ये आपका ट्रांसलेशन में वर्क करता है। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म को कैसे याद किया जाए, ये भी वीडियो मैं लेकर आऊँगा अपने चैनल पर, कैसे याद किया जाएगा और कैसे आपको याद रहे ये मैं बनाऊँगा, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो आपको वर्ब, आज आपका छोटा सा वीडियो था, मैंने वर्ब के बारे में थोड़ा डिस्कस किया, वर्ब आखिर क्या होती है और कितने टाइप को इसको हम विभाजित कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आएगी आपका एडवर्ब के रूप में, वर्ब से बनता है एडवर्ब, तो समझ सकते हैं वर्ब अगर आता रहेगा तो आपको एडवर्ब पता चल जाएगा। एडजेक्टिव हो गया, प्रोनाउन हो गया, नाउन हो गया, जेंडर हो गया, सारी चीज़ें हो गई हैं। बाकी आपका हर हफ्ते में स्पोकन इंग्लिश की क्लास से ये तो आती रहती है, उसके साथ साथ लाइव ट्रांसलेशन यहाँ पर करवाते हैं, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, जो भी रहेगा वो सेम कराएंगे, हाई स्कूल में और इंटर में जैसे भी आता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ जुड़ जाइएगा, और एक तीन प्लेलिस्ट और चेक कर लीजिएगा स्पोकन क्लास की, अगर जो नो टेंस अगर सीखना हो तो टेंस की क्लास में दिखाता हूँ, वो भी आप जुड़ जाइए। और अगली वीडियो है का पक्षांतर और कैलकुलेशन की प्लेलिस्ट है, उसको देख लेना। पक्षांतर और कैलकुलेशन की वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको चेक कर लेना। उसके साथ साथ ट्रिकी न्यूमेरिकल सोल्यूशन और ट्रिकी मैथ सोल्यूशन, ये प्लेलिस्ट और चेक कर लेना। सारी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और वहाँ टेलीग्राम चैनल की भी लिंक है, वहाँ पर टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर डिस्कशन करना चाहते हैं तो वहीं डिस्कस करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप क्या करिए, हमें इजाज़त दीजिए और कमेंट जरूर कर देना, भद्दा बुरा जो भी हो सके, और लाइक शेयर जरूर कर देना। पिछली सारी वीडियो जरूर देख लीजिए, आपको बहुत ही लाभ होने वाला है अगर पिछली सारी वीडियो देख लेते हैं तो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक, टेक केयर, सी यू।